और भाई बहनों, क्या हाल चाल? आप सब लोग जानते होंगे कि भारत दूसरे नंबर पे है पॉपुलेशन के अंदर और सातवें नंबर पे एरिया के अंदर। लेकिन भारत दूसरे नंबर पे भी है एग्रीकल्चर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स के अंदर, या यूं कहे एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी के अंदर। पहले नंबर पे अमेरिका है और भारत दूसरे नंबर पे है। यही नहीं, एग्रीकल्चर के अंदर भारत की जीडीपी के अंदर 18 से 20% कॉन्ट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर का होता है। 50% से ज्यादा वर्कफोर्स जो एम्प्लॉयड है इंडिया के अंदर, वो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर है। इंडिया अगर वर्ल्ड के कंपैरिजन में बात करें तो इंडिया वर्ल्ड के अंदर बनाना, पपाया, मैंगो, दूध, इसके अंदर फर्स्ट नंबर पे है एज अ प्रोड्यूसर। उसके अलावा जूट, राइस, वीट, शुगर केन, इसके अंदर दूसरे नंबर पे है। और ऐसे बहुत सारी चीजों के अंदर भारत का नाम कहीं ना कहीं आ जाएगा अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है या फिर उसके एलाइड प्रोडक्ट्स है। क्यों ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमारे देश के अंदर शुरुआत हुई 1960 के अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन से, फिर आया व्हाइट रेवोल्यूशन, येलो रेवोल्यूशन और फिर ब्लू रेवोल्यूशन। और इन सारे रेवोल्यूशन के अंदर जिन्होंने हाथ से हाथ मिला के और कंधा मिला के मेहनत की, वो कौन थे? किसान। तो ये पूरा एग्रीकल्चर सेक्टर किसानों के कंधे के ऊपर ही है जिसने भारत को एक वर्ल्ड के अंदर रिकग्निशन दे रखा है। और इन स्पाइट आज की सारी कंट्रीज जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के पीछे भागती हैं, भारत का मेजर कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर के सेक्टर के थ्रू ही आता है। तो भारत की सरकार और भारत की जनता का फर्ज बनता है कि इन किसानों को एक तरह से सम्मानित किया जाए। और इसी सम्मान को देने के लिए भारत के अंदर हर साल 23 दिसंबर को किसान दिवस या फिर फार्मर्स डे मनाया जाता है। ये फार्मर्स डे 2001 के अंदर चौधरी चरण सिंह जी की बर्थ एनिवर्सरी को रिकग्नाइज करने के लिए मनाया शुरू किया गया था। और क्योंकि चौधरी चरण सिंह जी को किसानों का नेता या किसानों के लिए करने वाले कार्य के अंदर सबसे आगे होने वाले नेता का दर्जा प्राप्त था, इसीलिए उनके सम्मान में इस दिन को किसान दिवस का नाम दिया गया। उनका जन्म 23 दिसंबर 1902 में हुआ और वो भारत के 5वें प्राइम मिनिस्टर थे। इसी के साथ वो 2 बार यूपी के सीएम भी रहे। और इस पूरे पॉलिटिकल करियर में उनका जो कंट्रीब्यूशन था वो मेजर एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर ही था। इसीलिए उनके सम्मान में और किसानों को सम्मान देने के लिए 23 दिसंबर को किसान दिवस के नाम से सम्मानित किया गया और उसे मनाया जाता है भारत के अंदर। सिर्फ भारत ही नहीं है, जैसा मैंने आपको कहा कि भारत दूसरा एग्रीकल्चर प्रोड्यूसिंग इकोनॉमी है वर्ल्ड के अंदर। इन टर्म्स ऑफ साइज हम पहले हैं इन टर्म्स ऑफ टोटल इरिगेटेड क्रॉप एरिया, यानी जितनी भी जमीन है जिसके अंदर हम एग्रीकल्चर करते हैं उसमें हम पहले हैं पूरी दुनिया में। और यूएस पहला है इन टर्म्स ऑफ प्रोड्यूस। अमेरिका भी फार्मर्स डे मनाता है, वो मनाता है 12 अक्टूबर को। उसके अलावा ही सिर्फ अमीर देश नहीं मनाते, गरीब देश भी मनाते हैं, जैसे अफ्रीका के घाना जो कि दिसंबर के पहले फ्राइडे को मनाता है, जाम्बिया जो अगस्त के पहले मंडे को मनाता है। यहाँ तक कि हमारे पड़ोसी पाकिस्तान ने भी 2019 के अंदर 18 दिसंबर को किसान डे मनाया। हालांकि ये उनकी सरकार ने नहीं किया, एक प्राइवेट ग्रुप है फातिमा ग्रुप जिनको लगा कि भाई किसानों को थोड़ा प्रोत्साहन देना चाहिए जिसके लिए ये डे मनाना चाहिए, तो उन्होंने भी मनाया। कहने का मतलब यह है कि किसान कहीं ना कहीं हर एक इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा कंधा है और भारत के अंदर तो उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, इसीलिए फार्मर्स डे को मनाया जाता है। पर अगर इस साल की, सिर्फ 2020 की बात करें तो ये कोरोना वायरस की वजह से तो काला साल रहा ही है, ये किसानों के लिए भी एक तरह से भारत के अंदर काला साल ही कहेंगे, क्योंकि इस पूरे साल में वो बहुत परेशान रहे किसी भी कारण से रहा, चाहे वो कोरोना की वजह से पूरी इकोनॉमी ठप हो गई जिसके अंदर वो अपना माल कहीं बेचने नहीं जा पाए, मंडियां बंद थी, खरीदार नहीं थे, तो जितनी भी मेहनत उन्होंने की थी या जितना भी टाइम उन्होंने लगाया था उसके बाद जो उपज हुई वो सब उन्हें फेंकनी पड़ी, या तो
उनको सारी चीज कौड़ियों के भाव डालनी पड़ी, जैसा कि आयरिश पोटैटो फेमाइन हुआ था या ग्रेट बंगाल फेमाइन हुआ था, उसी तरह इस साल भी नौबत आई। उसके बाद सरकार ने 3 फार्मर्स बिल प्रोड्यूस किए और उन फार्मर्स बिल के अंदर एमएसपी की कोई गारंटी नहीं थी और पंजाब और हरियाणा के किसान इस चीज़ के ऑपोजिशन के अंदर अभी 2 महीने हो चुके हैं, जो प्रोटेस्ट के अंदर दिल्ली एनसीआर के बॉर्डर के ऊपर बैठे हुए हैं। उनकी डिमांड है कि इन तीनों बिल्स को वापस लिया जाए और इन बिल्स के अंदर जो एमएसपी है उसकी गारंटी उन्हें दी जाए, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि इन बिल्स के थ्रू ये जो स्टेट है ये कोई भी टैक्सेस लगाने के लिए पाबंद नहीं रहेगा, जिसकी वजह से प्राइवेट प्लेयर का डोमिनेंस हो जाएगा और उनका जो आढ़तिया से रिलेशन है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि आढ़तिया ही खत्म हो जाएंगे। तो ये सारे जो माइंड के अंदर चीजें हैं, इनकी वजह से फार्मर्स प्रोटेस्ट में है हमारी यूनियन सरकार के अगेंस्ट के अंदर और दिल्ली के बाहर बैठे हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि बहुत ही समझदारी से और बहुत ही संयम से दोनों पक्षों का साथ बैठ के एक समीकरण निकल आए और एक सॉल्यूशन निकल आए, जिससे सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएं। तो अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखिए। अभी और भी किसी चीज़ के बारे में जानकारी चाहिए तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिखिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।